नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। देख सकते हैं कि हमारे पास ये है ट्रिमर। तो आप सोच रहे होंगे इस ट्रिमर का हम करने वाले क्या है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल देख रहे हैं अगर ये ट्रिमर, तो हालांकि इसको या तो हम इसको तोड़ सकते हैं, या तो इसको हम खराब कर सकते हैं, या तो इसको खराब वाले चीज को ठीक कर सकते हैं। तो आज जो है ना, हम इसको खोल करके ठीक करने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमको ठीक करना क्या है। आपको बता दें कि ये जो है ना, इसका सेक्शन में देख सकते हैं कि टूटा हुआ है। टूटने का मतलब है कि इसके अंदर बैटरी का अब सेक्शन खराब हो चुका है। अब ये बैटरी से नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसका नहीं बैटरी, अब चार्जिंग वाला काफी ज्यादा महंगा होता है और यहाँ पे चलता भी नहीं। तो ये अब यहाँ का सेक्शन ही खत्म हो गया, नहीं चार्ज करके चला सकते, नहीं इसमें बैटरी डाल के चला सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये होता है, ये जो हमारा ट्रिमर है अब ये बर्बाद हो चुका है, इसको फेंका जा सकता है। लेकिन हम आपको बता देंगे इसको आप फेंकेंगे नहीं। अगर आपके पास अगर ऐसा ट्रिमर है तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, क्योंकि ये जो है ना ट्रिमर काफी कामयाबी है और काफी उपयोगी है। आप सोच रहे होंगे कैसे, हम बताते। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है इसके थ्रू हम नट को खोलते हैं। इसके बाद हम आपको एक एक स्टेप दिखाने वाले हैं कि इसको हम कैसे काम में ले सकते हैं ट्रिमर का, और फिर हम उसी तरह से इसको चला सकते हैं जैसे हम पहले नया में चलाते थे। बिल्कुल हूबहू चला सकते हैं इसको। तो देखते हैं कि कैसे इसको चला सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए इसको खोलते हैं। चलिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रू को खोलते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे खोलते हैं। इसको खोलने के बाद ये जो स्क्रू है यहाँ पे, इसको नहीं खोलना होगा, क्योंकि अगर ये खोलेंगे तो ये हमारा ब्लेड खुल जाएगा। तो यहाँ से इसको पुश करेंगे तो ये देखिए खुल गया। बहुत सारे बाल है तो सबको क्या करेंगे, बाल को यहाँ से हम हटाएंगे। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे इसको खोल चुके हैं। अब खोलने के बाद ये वाले नट को खोलना हमको जरूरी है, क्योंकि ये सेक्शन दोनों में इसको ज्वाइंट किया हुआ है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये सेक्शन को हम यहाँ पे खोलते हैं, इस तरीके से यहाँ पे इसको खोल देते हैं। चलिए यहाँ से इसको हम खोलते हैं और थोड़ा सा और बचा हुआ है। चलिए आई थिंक ये खुल गया, देख सकते हैं। तो ये खुल गया, अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे और इसको खोलना है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये तो खुल गया है भाई साहब, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, ये खुल चुका है। अब इसके बाद कहाँ फंसा हुआ है भाई, आई थिंक कहीं तो नहीं फंसा हुआ है। थोड़ा सा आप पुश करना, देख सकते हैं ये अब मेरा खुल चुका है। ये देखिए इसको खुल चुका है। इसके अंदर में जो ये मोटर देख रहे हैं ना, ये मोटर आप काफी ज्यादा यूजफुल है, इसको कहीं पे भी इसको यूज में ले सकते हैं। और ये जो हमारा सर्किट है ये जल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ का जो प्रिंट है ना ये खत्म हो चुका है, उड़ चुका है। और ये जो स्विच है अब ये वर्क करना खत्म, मतलब बंद ही कर चुका है। तो ये देख सकते हैं हम जुगाड़ से इसको चला रहे थे, वही चीज हम आपको दिखा सकते हैं या दिखाना चाहेंगे कि हम कैसे इसको जुगाड़ से इसको चला सकते हैं, फिर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से हम उसी तरह से इसको रेजर का यूज कर सकते हैं, स्ट्रीमर का यूज कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो कुल मिला के ये बात होता है, ये जो सर्किट है ये हमारा अब काम करना बंद हो चुका है, ये सर्किट खराब हो चुका है। तो फेंकने से अच्छा है कि ये जो जुगाड़ दिख रहे ना, डायरेक्ट एक यहाँ पे तार जोड़ना, एक यहाँ पे तार जोड़ना, ये जो वायर होता है ना हमारा, जो मोटर से वायर आता है ना, ये कनेक्शन यहाँ लगाना है और एक कनेक्शन यहाँ लगाना, निगेटिव और पॉजिटिव। तो ये हमारा डायरेक्ट हो चुका है। अगर आप स्विच का काम लेना चाहते हैं तो स्विच में से यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट किए हुए तार लगाए हुए, ताकि यहाँ पे स्विच में से डायरेक्ट कर दिए, ताकि यहाँ पे आपको स्विच भी नहीं दबाना पड़े, क्योंकि स्विच वर्क नहीं कर रहा था। अगर आप इसको वर्क कराना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आयरन लेकर के यहाँ पे रंगा चढ़ा दीजिएगा, तो आपको ये यूज करने लगेगा। या अगर आप दूसरा स्विच लगाना चाहते हैं, ये भी दूसरा स्विच लगा करके यूज भी ले सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से कर चुके हैं, अब हमारा ये वर्क करेगा, हम आपको दिखा दें। तो नहीं, ये अब वर्क करेगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम बंद कर देंगे इस तरीके से। बंद करने से पहले हम आपको बता दें फिर से, ये जो जैसे लगा हुआ है इसको यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, जो वायर का कनेक्शन है ना, मोटर के पॉजिटिव और निगेटिव पे आपको सटाना है, ताकि ये मोटर चल पाए। ठीक है, तो इस मोटर को चलने के लिए वही 3-4 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे 3-4 वोल्ट में इसको मोटर को चला सकते हैं, और यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा देना है, ताकि जैसे हमारा पहले लगा हुआ था। और इसके बाद ये ढक्कन लेकर के आराम से भाई साहब, आराम से हाँ, ये ढक्कन लेकर के हमको यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों ये लग चुका है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ये स्विच वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम आपको दिखा दें कि स्विच में हम डायरेक्ट कर चुके हैं, तो ये स्विच हमारा वर्क नहीं करने वाला है। अगर आपको इसको वर्क कराना है ना, तो आप वहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे, यानी तो दूसरा स्विच यहाँ पे लगा देंगे, जुगाड़ से आपका ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ स्क्रू ड्राइवर से फिर जैसे मेरा टायर था वैसे इसको लगाते हैं। ये नट यहाँ पे था, तो इस नट को हमको यहीं पे डालना है, ये नट भी हमारा लग के तैयार। के बाद हमारा ये आता है ये नट के बारे, तो ये नट हमारा यहाँ पे लग के तैयार होगा। तो ये भी नट हम यहाँ पे लगा दिए, देखिए हमारा नट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो है हमारा ब्लेड है ना, ब्लेड सेक्शन, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाना है जैसे हमारा पहले लगा हुआ था। तो यहाँ पे इसको इस तरीके इसको दाब देना, ये हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये हम आपको बिल्कुल मतलब चला के दिखाने वाले हैं काम करता है कि नहीं। ये हमारे पास एलिमीटर है, देख सकते हैं, इस एलिमीटर के जगह पे आप कोई भी 4-5 वोल्ट का एलिमीटर ले सकते हैं, वहां से इसका यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लस है, नेगेटिव पॉजिटिव उसमें जोड़ेंगे, ये हमारा नेगेटिव है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा नेगेटिव है, इस नेगेटिव वाले सेक्शन को हमको यहाँ पे जोड़ देना है, और यहाँ पे पॉजिटिव वाले सेक्शन को हमको यहाँ पे ऐसे जोड़ देना। तो ये हमारा, अब देखते हैं वायर कनेक्शन लग चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको छिलना पड़ेगा। ये हमारा वायर कनेक्शन लगभग कम्प्लीट हो चुका है, ये सेक्शन लगा कर कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका वायर का जो कनेक्शन है ये यहाँ पे हम लाइन में देंगे, जैसे ही लाइन में देंगे ये हमारा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे तार का जो कनेक्शन है बिल्कुल परफेक्ट जगह पे लगा चुके हैं, इसको यहाँ पे लगा चुके हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन यहाँ देना है। अब ये इसके बाद देखना कि ये हमारा चलता है कि नहीं चलता है। हाँ, एक चीज आपको बता देंगे कि यहाँ पे वोल्टेज का भाई साहब ध्यान रखेगा, तो वोल्टेज का ध्यान नहीं रखेगा ना, तो ये जो मोटर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मोटर का ध्यान रखना है और वोल्टेज का ध्यान रखना है, ताकि आपका ये खराब ना हो। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे वोल्टेज दे चुके हैं, 2-4 वोल्ट दे सकते हैं, यहाँ पे दे दिए हैं, या 3 वोल्ट पे भी इसको
चला सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे देते हैं, अब यहाँ देखिए हमारा वर्क करता है कि नहीं। देखिए अभी एकदम स्थिर है, ये देखिए परफेक्ट काम कर रहा है। आवाज़ सुन ही पा रहे होंगे, देखिए इससे आप कुछ भी काट सकते हैं। देखिए ये देखिए परफेक्ट काम कर रहा है, बिल्कुल सही जगह से काम कर रहा है। अब इसको आराम से आप और इसको यूज में ले सकते हैं। ये बंद हो गया, देखिए देखिए बिल्कुल सारा काम कर सकते हैं। हम आपको काम करके दिखाते हैं, रुक जाइए। देखिए इसको यहाँ से जोड़ दिए, अब यहाँ देखिए, ये देखिए हमारा यहाँ पे बाल है, यहाँ देखा, यहाँ देख सकते हैं बाल है। अब देखिए ये बाल कटता है कि नहीं, कट गया। देखिए ये देखिए हमारा पूरा बाल यहाँ पे कट गया, यहाँ देखते हैं, देखिए ये भी कट गया। मतलब बिल्कुल ये परफेक्ट है और यहाँ पे इसका यूज ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं फिर से हम आपको। जैसे इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए अब हमारा ये जो ट्रिमर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो बाल है ना, इसको काट के दिखाते हैं, देखते कटता है कि नहीं। देखिए एकदम से कट रहा है, देखिए यहाँ देखिए है गया, तो कट गया ना, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा बाल हमारा कट गया। तो यहाँ से आप इसका एकदम यूज में ले सकते हैं। और इस ट्रिमर का फिर से, ये ट्रिमर आपका मरा हुआ था, इसको आप जिंदा कर सकते हैं। खत्म हुआ ट्रिमर, फेंका हुआ ट्रिमर को आप फिर से रीयूज में ले सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो जरूर आप कमेंट्स में जाकर के पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।